अस्सलाम वालेकुम, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट बायोलॉजी। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इकोसिस्टम। इट इज़ गिवन इन योर बुक पेज नंबर 40। इन दिस बुक वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। व्हाट इज एनवायरनमेंट? द नेचुरल कंपोनेंट इन विच द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोग अपने सराउंडिंग में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो हम लोग का एनवायरनमेंट होता है। वहाँ के टेम्परेचर, एयर, वाटर जो अवेलेबल होता है नेचुरल कंपोनेंट कहलाता है। और उसके अलावा जो लिविंग कंपोनेंट होता है जैसे कि प्लांट और एनिमल्स फॉर विच वी आर हम लोग उसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, दैट इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट ऑफ वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर नेचुरल लाइफ प्रोसेस and to meet their physical requirement like food, water, energy, oxygen, shelter, etc. So, environment का importance क्या है कि environment जो है वो हम लोग को survive करने में help करता है। From birth to death, it provides different kinds of ingredients for our survival like water, energy and oxygen. Now in the next paragraph, the definition of ecosystem is given. What is ecosystem? This is a functional unit of nature which deals with the living and non-living component of the environment. लिविंग में क्या आ जाएगा? जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। और नॉन लिविंग में आता है एयर, टेम्परेचर, वाटर, दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। और इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि कैसे हम लोग या कोई प्लांट या कोई एनिमल जो है वो अपने सराउंडिंग के लिविंग और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट के साथ और उसके इंटरडिपेंडेंस की वजह से सर्वाइव करता है, तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक इकोसिस्टम का हिस्सा कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम मेकअप ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के आसपास में सपोज पॉन्ड है, तो पॉन्ड में डिफरेंट काइंड ऑफ फिश और प्लांट प्रेजेंट होता है, तो वो पॉन्ड इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स और प्लांट साथ में रहता है, तो वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहलाता है। वहाँ का टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल और डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे कि प्लांट जो वेजिटेबल्स और फ्रूट ग्रो होता है उसमें, वो एनिमल्स के लिए फूड का काम करता है। तो एक तरह से एनिमल अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड करता है। सो दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग ऑकरिंग विद इन एन इकोसिस्टम और एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। हम लोग जिस साइंस के जिस ब्रांच में एनवायरमेंट और उसके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं उसको इकोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो मार्क किया हुआ है ये डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग ऑकरिंग विद इन एन इकोसिस्टम और एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। दिस द टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट named Tansley. You have to remember this name Tansley. In your syllabus, two type of ecosystem is given, aquatic and terrestrial. Aquatic यानी कि इसमें हम लोग aquatic life के बारे में पढ़ेंगे कि aquatic ecosystem में कितने तरह के animals और plants साथ में रहते हैं। Now these are the components of ecosystem. जैसे कि हम लोग अभी पढ़े थे, there are two main components of ecosystem, biotic and abiotic component. अबायोटिक कंपोनेंट में आता है लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो गया। और बायोटिक कंपोनेंट में आता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स जो फूड प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर यानी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स जिसको हम लोग कैटेगरी वाइज जानते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड स्कैवेंजर्स। और थर्ड पार्ट है डीकम्पोजर जिसमें फंगाई और बैक्टीरिया आता है जो डेड और डिकेड प्लांट पार्ट और एनिमल पार्ट को वापस नेचर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर में जो डिफरेंट पैराग्राफ दिया हुआ है डिटेल इसमें बताया है कि हर एक अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। पहला है लाइट। द सनलाइट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर विदाउट विच द लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। सो लाइट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट एंड यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यू ऑलरेडी नो दैट फोटोसिंथेसिस इज the food making process of the plant where they utilize the sunlight and they produces carbohydrate. So all animals directly or indirectly depends on the food prepared by the plant for their survival. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब प्लांट में कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होगा तो प्लांट डेवलप होगा, प्लांट में ग्रोथ होगा, उसका जो फ्रूट और वेजिटेबल डेवलप होगा वो एनिमल्स के लिए फूड का काम करेगा। अब वो
ह्यूमन बींग भी इस्तेमाल करता है, तो ह्यूमन बींग को प्लांट से भी डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट मिलता है और दूसरे डिफरेंट काइंड ऑफ सनलाइट एनर्जी मिलता है, और अगर वो इनडायरेक्टली कैसे लेगा, अगर वो एनिमल्स को कंज्यूम कर रहा है, एनिमल्स को इस्तेमाल कर रहा है एज अ फूड, तो उसको इनडायरेक्टली लाइट एनर्जी जो है वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। तो लाइट जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर भी होता है, और एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल। एंड वॉट इज द अदर इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डेली एंड सीजनल एक्टिविटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। Some plant flower only when they are exposed to short day of winter, while others require long day of summer to flower. अब इसमें क्या है कि बहुत सा प्लांट जो है वो, जैसे कि हम लोग सनलाइट सनफ्लावर के बारे में पढ़ते हैं कि जो पर्टिकुलर लाइट के प्रेजेंस में ही ब्लूम करता है, तो इस तरह से बहुत सारा प्लांट जो है वो लाइट के प्रेजेंस में ही ब्लूम होता है। सम एनिमल्स आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम वेन दे गेट लाइट, दीज आर कॉल्ड डायरनल एनिमल्स, like sparrow and the crow. Another animal that are active during the night, they are called nocturnal animals. For example, bat and owl. So, आप लोग को ये दोनों animals का definition और ये दोनों definition और animals का नाम याद करना है। Diurnal animal क्या होता है, जो day time में light के presence में active होता है। Nocturnal animals night में present active होता है। Now, another component is temperature. It is a major temperature के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ थिंग को मेजर करने का काम करता है। तो टेम्परेचर वेरीज इन डिफरेंट रीजन एंड ऑल्सो विद इन द सेम रीजन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। एक ही पर्टिकुलर रीजन में टाइम के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो वेरी कर सकता है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या इफेक्ट करेगा, ये एनिमल्स को देखा जाता है कि कुछ एनिमल्स जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे कि टोड, इट कैन नॉट विदस्टैंड वेरी लो टेम्परेचर इन विंटर, सो दे गो इनटू हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। एक पर्टिकुलर थिंग देखा जाता है कि टोड के अंदर क्या है कि वो विंटर स्लीप में चला जाता है, यानी कि इट रिमेन्स इनएक्टिव ड्यूरिंग द विंटर सीजन। सिमिलरली एनिमल्स लाइक स्नेल कैन नॉट टॉलरेट वेरी हाई टेम्परेचर, सो दे गो इन दे बिकम इनएक्टिव एंड गो इन टू एस्टिवेशन, दैट इज समर स्लीप। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ याद करना है कि स्नेल कैन शो एस्टिवेशन एंड टोड कैन शो द हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज कॉल्ड द विंटर स्लीप वेयर टोड रिमेन्स इनएक्टिव, एंड एस्टिवेशन इज द समर स्लीप वेयर द एनिमल्स लाइक स्नेल बिकम इनएक्टिव। एंड द थर्ड कैटेगरी इज सम एनिमल्स लाइक मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इन रिस्पॉन्स टू द सीजनल चेंज, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। कुछ बर्ड्स में पर्टिकुलरली देखा जाता है कि वो लोग टेम्परेचर जैसे चेंज होता है, जब उन लोग के एनवायरमेंट जो है उन लोग के लिए सुटेबल नहीं होता है, तो वो अपना एक जगह से दूसरे जगह अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। सो फॉर अ पर्टिकुलर सीजन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड माइग्रेशन। ये तीनों ही वर्ड याद करना है आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पर ऊपर एक पैराग्राफ में जो सेंटेंस अंडरलाइन किया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है। प्लांट्स नीड एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 28 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द जर्मिनेशन, सो दे रिक्वायर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर द जर्मिनेशन। नाउ वाटर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर भी क्या है, एक अबायोटिक कॉम्पोनेंट है। तो ये नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है इकोसिस्टम का। तो वाटर के बारे में हम लोग क्लास 4-5 से पढ़ते आ रहे हैं कि वाई वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी और वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट। जैसे प्लांट में हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज अ मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड जो है वो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाने का काम करता है, जैसे एक्सक्रीशन में या सर्कुलेशन में या न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करता है। तो उसमें ब्लड में जो है वो मैक्सिमम जो कंपोनेंट है वो वाटर होता है। इट इज आल्सो अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन एनिमल्स और लाइक इन लाइक फिश वेयर द एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव्स एज दे आर एबल टू यूज द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर फॉर द ब्रीदिंग। सो वाटर इज supplying oxygen to the aquatic animals. An aquatic plant use carbon dioxide dissolved in water for the photosynthesis. So how it is important for the aquatic life? Because the water is producing oxygen for the fish and for the plant it is providing carbon dioxide. Plant growing on land absorb water from the soil with the help of their root and use it for the photosynthesis. ये हम लोग photosynthesis के process में भी पढ़ चुके हैं।
तो ये वाटर के इम्पोर्टेंस से जो सेंटेंस अंडरलाइन किया हुआ है ये अलग अलग पॉइंट वाइज आप लोग लिखिएगा जब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में दिया जाएगा। अनदर एबायोटिक कॉम्पोनेंट इज एयर। इट कंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ ऑफ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हाउ द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन इन द एटमोसफियर। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन एटमोसफियर से लेते हैं, इनहेल करते हैं, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो एंड प्लांट्स टेक इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर फॉर फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट इज यूजिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स एंड फ्रॉम द ह्यूमन बींग और एनिमल्स। सो बोथ प्लांट एंड एनिमल शुड बी प्रेजेंट इन एडिक्वेट अमाउंट ऑन अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर। तो प्लांट जो है अगर वो क्या कर रहा है, एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और फोटोसिंथेसिस के बाद वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो ऑक्सीजन एटमोसफियर में रिलीज कर देता है। ऑक्सीजन एटमोसफियर से कौन यूज करता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी एनिमल्स और ह्यूमन बींग। तो ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो कि प्लांट के लिए फायदेमंद है। सो बोथ द प्लांट एंड एनिमल शुड बी प्रेजेंट इन एडिक्वेट अमाउंट ऑन अर्थ। तो अर्थ पे इसका नंबर जो है वो इक्वल होना चाहिए ताकि O2 CO2 का बैलेंस मेंटेन हो सके। तो ये सब चीज की डिटेल के बारे में हम लोग इकोसिस्टम में पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में कितना प्लांट होना चाहिए, कितना एनिमल होना चाहिए। अगर कहीं पर प्लांट कम हो जाता है तो हम लोग को अवेयरनेस कैंप लगाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर रीजन में, इस रीजन में अगर प्लांट कम हो गया है तो हम, जैसे कि ग्रो मोर ट्रीज एक स्लोगन है, इसको उसकी वजह से अवेयरनेस किया जाता है, लोगों में बताया जाता है कि हम लोग को प्लांटेशन करना चाहिए। सॉइल इज एसेंशियल, ये एक अनदर एबायोटिक कंपोनेंट है। इट इज एसेंशियल फॉर द मेजोरिटी ऑफ प्लांट टू एंकर एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि ये प्लांटेशन के लिए या एग्रीकल्चर पर्पज के लिए सॉइल बहुत जरूरी है। तो वो कैसे कैसे उसका अलग अलग पॉइंट में पैसे पढ़ेंगे। जैसे ह्यूमस, इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी इन द सॉइल। इसकी वजह से सॉइल जो है वो फर्टाइल रहता है। इट कैन ग्रो मोर ट्रीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ह्यूमस सॉइल। द मिनरल रिच सॉइल मेक्स प्लांट ग्रोथ पॉसिबल ऑन द अर्थ। जितना ज्यादा मिनरल्स होगा सॉइल में उतना ही अच्छा एग्रीकल्चर होता है या प्लांटेशन होता है। सॉइल इज द होम ऑफ मेनी बर्रोइंग एनिमल्स लाइक रैट, रैबिट एंड अर्थवॉर्म। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। नाउ द लास्ट पार्ट इज ह्यूमिडिटी एंड विंड आर द अदर टू एबायोटिक फैक्टर्स दिस अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर एयर में वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर लेवल जो है वो प्लांट में, सॉरी जो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो वाटर बच जाता है वो वाटर ड्रॉपलेट और वाटर वेपर के फॉर्म में प्लांट से एलिमिनेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। वो क्या करता है, ह्यूमिडिटी बढ़ाता है, यानी कि प्लांट के आसपास के एरिया में वो वाटर वेपर एटमोसफियर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी रेट जो है वो एनवायरमेंट का बढ़ता है। दैट ऑल्सो अफेक्ट द इकोसिस्टम ऑफ वन पर्टिकुलर रीजन। सो दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। थैंक यू।